वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल मेक टेक सुमन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो फोर स्ट्रोक एसआई इंजन है वो किस तरह से काम करता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस चलता है, उसमें पिस्टन सिलेंडर में पिस्टन का क्या मूवमेंट होता है, ये सब जानेंगे। तो फोर स्ट्रोक एसआई इंजन, फोर स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब क्या होता है ना, स्ट्रोक मतलब हम लोग पहले का वीडियो में जान चुके हैं कि पिस्टन का टीडीसी टॉप डेड सेंटर से बीडीसी बॉटम डेड सेंटर, ये टीडीसी से बीडीसी का जो मूवमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक। फोर स्ट्रोक मतलब क्या होगा ना, टीडीसी से बीडीसी का चार बार मूव होगा, मतलब टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी, फिर टीडीसी से बीडीसी और फिर से बीडीसी से टीडीसी, ये चार स्ट्रोक होगा। और एसआई इंजन, एसआई इंजन मतलब क्या होता है ना, स्पार्क इग्निशन इंजन, मतलब हम इलेक्ट्रिकली स्पार्क क्रिएट करेंगे चार्ज को कंबसन कराने के लिए। ये जो फोर स्ट्रोक एसआई इंजन है ये किस पे डिपेंड करके चलता है ना, ये ऑटो साइकिल पे डिपेंड करके चलता है। यहाँ पे हर एक स्ट्रोक पे क्रैंक जो है उसका 180 डिग्री का रोटेशन होता है, मतलब चार स्ट्रोक में कितना होगा, 720 डिग्री का रोटेशन होगा, मतलब अगर फोर स्ट्रोक कंप्लीट होगा तो क्रैंक का दो बार पूरा कंप्लीट मूवमेंट, कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा, मतलब फोर स्ट्रोक में पूरा चार स्ट्रोक अगर कंप्लीट होता है तो जो शाफ्ट है वो दो बार कंप्लीट रोटेट हो चुकी होती है। इसमें क्या क्या प्रोसेस चलता है ना, इसमें चार तरीके का प्रोसेस होता है। फर्स्ट होता है सक्शन, सेकेंड होता है कंप्रेशन, थर्ड होता है पावर स्ट्रोक जिसमें कंबसन एंड एक्सपेंशन होता है, उसके बाद लास्ट में होता है एग्जॉस्ट। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, तो पहले चलते हैं सक्शन में। तो सक्शन में क्या होता है, पहले इस वीडियो में देख लीजिए कि सक्शन में ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन क्या कर रहा है ना, टीडीसी से बीडीसी तक मूव हो रहा है, और यहाँ पे जो इनलेट वाल्व है ये खुल रहा है, और यहाँ से जो हमारा चार्ज है वो कार्बोरेटर से इनलेट के अंदर सिलेंडर में एंटर कर रहा है। इस दौरान जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो पूरी तरीके से क्लोज कंडीशन में रहता है, और ये जो सिलेंडर है ये टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करती है। तो इनिशियल कंडीशन ऑफ द पिस्टन क्या है ना, इनिशियल कंडीशन में ये टॉप डेड सेंटर पे रहता है, ये जो टॉप डेड सेंटर है यहाँ पे पिस्टन रहता है। और फाइनल कंडीशन मतलब ये जो सक्शन प्रोसेस है ये कंप्लीट होने के बाद ये पिस्टन कहाँ जाएगा ना, बीडीसी में रहेगा। तो फाइनल पोजीशन जो होगा पिस्टन का ये प्रोसेस होने, ये सक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो है बीडीसी में। और इस दौरान जो दो वाल्व है वो वाल्व का कंडीशन क्या होगा ना, इनलेट वाल्व जो है वो ओपन कंडीशन में रहेगा और जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्लोज कंडीशन में रहेगा, और पिस्टन का मूवमेंट हमारा टीडीसी से बीडीसी तक रहेगा। और ये स्ट्रोक होने के बाद ये क्या होगा, 0 डिग्री से 180 डिग्री का मूवमेंट इसका हो जाएगा, मतलब शाफ्ट का हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो थर्मल प्रोसेस होता है वो होता है कांस्टेंट प्रेशर सक्शन, मतलब कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग सक्शन साक करते हैं चार्ज को। इसको अगर पीवी डायग्राम में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो वो कांस्टेंट प्रेशर पे एक स्ट्रेट लाइन आएगा, वो जिसको हम 0 से 1 तक डिनोट करते हैं। अब आते हैं कंप्रेशन में। कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, कंप्रेशन प्रोसेस में ये होता है कि जो पिस्टन हमारा सक्शन प्रोसेस में टीडीसी से बीडीसी आया था, अभी वो सिलेंडर वो पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी तक जाएगा। तो ये प्रोसेस में इनिशियल स्टेज में पिस्टन था बीडीसी में, और जब ये प्रोसेस, ये बड़ा कंप्रेशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो पिस्टन कहाँ जाएगा, टीडीसी में। तो फाइनल पोजीशन ऑफ द पिस्टन होगा
टीडीसी पर, और ये प्रोसेस में दोनों वाल्व का कंडीशन क्या रहता है ना, दोनों वाल्व भी क्लोज कंडीशन में रहता है। यहाँ पे कोई भी अंदर नहीं आ, कोई भी चीज अंदर नहीं आता और बाहर भी नहीं जाता, दोनों वाल्व हमारा क्लोज कंडीशन में रहता है। और ये जो पिस्टन है ये बीडीसी से टीडीसी तक मूव करता है, और जो जो इसका जो थर्मल प्रोसेस है वो क्या होता है ना, इसका वॉल्यूम क्या होता है कम हो जाता है। जब बीडीसी से टीडीसी जाएगा सिलेंडर जो पिस्टन है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। इसको अगर हम पीवी डायग्राम में डिनोट करेंगे तो 1 to 2 में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पीवी डायग्राम में, जहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या आया ना, इनिशियल कंडीशन जो पिस्टन का था वो बीडीसी में था, फाइनल इस ये कंप्रेशन कंप्लीट होने के बाद पिस्टन का फाइनल पोजीशन जो है वो था वो होगा टीडीसी, मतलब टॉप डेड सेंटर में जब पिस्टन पहुंच जाएगा वो हो जाएगा टीडीसी में। और इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व क्या कंडीशन में रहेगा, क्लोज कंडीशन में रहेगा। पिस्टन का मूवमेंट किस ओर होगा ना, बीडीसी से टीडीसी की ओर होगा। और यहाँ पे जो थर्मली जो एक थर्मल जो प्रोसेस होगा वो होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और यहाँ पे जो क्रैंक जो था जो शाफ्ट हमारा था वो क्या होगा ना, अनदर 180 डिग्री का रोटेशन उसको हो जाएगा। तो पहला 180 और ये 180 में वो एक बार रोटेट हो जाएगा 360 डिग्री का, मतलब कंप्रेशन प्रोसेस में शाफ्ट का एक बार कंप्लीट रोटेशन हो जाता है। अभी चलते हैं हमारा थर्ड स्टेप जो है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, पावर स्ट्रोक में दो ऑपरेशन होता है, एक है कंबशन और एक है एक्सपांशन। कंप्रेशन के दौरान हमारा जो पिस्टन था वो बीडीसी से टीडीसी तक आ पहुंचा था और पूरा चार्ज को अंदर सिलेंडर के अंदर जो चार्ज था उसको पूरी तरीके से ये कंप्रेस कर चुका था। इस टाइम क्या होगा ना, जो हमारा यहाँ पे जो स्पार्क प्लग लगा होता है इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड, तो ये स्पार्क प्लग से स्पार्क निकलेगा और ये जो चार्ज है उसको इग्नाइट कर देगा, फिर कंबशन प्रोसेस हमारा चालू हो जाएगा। जब कंबशन प्रोसेस चालू होगा तब पिस्टन क्या होगा, एकदम टीडीसी में ही रहेगा, उसी टीडीसी में रहते समय ही स्पार्क का इग्निशन होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम का तब कोई चेंज नहीं हो रहा है, जब इग्निशन हो रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं ना, कांस्टेंट वॉल्यूम में हम लोग हीट एडिशन कर रहे हैं सिलेंडर के अंदर, तो ये प्रोसेस का नाम होगा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। ये कंबशन स्ट्रोक के दौरान ही इंजन में पावर जनरेट हो रहा है, और ये क्या कर रहा है ना, जो हमारा पिस्टन था सिलेंडर के अंदर जो टीडीसी पोजीशन में था उसको बीडीसी तक ये पावर प्रोवाइड करके बीडीसी तक इसको लेके जा रहा है। यही मेन पावर स्ट्रोक है हमारे साइकिल के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा पिस्टन का इनिशियल पोजीशन था, मतलब ये जो कंप्रेशन के बाद में जो सिलेंडर का जो सिलेंडर में पिस्टन का जो पोजीशन था वो था टीडीसी में। टीडीसी में ये पूरा चार्ज को कंप्रेस कर चुका था। इस दौरान दोनों वाल्व क्या था, क्लोज कंडीशन में था। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई कि स्पार्क प्लग वो चार्ज को इग्नाइट कर दिया, उसके ऊपर एक स्पार्क क्रिएट कर दिया, उसमें क्या हुआ ना, उसमें चार्ज जो है हमारा वो कंबशन हो गया। अभी कंबशन होने के बाद ये क्या होगा, पिस्टन जो है वो धीरे धीरे टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव होगा, तो हमारा जो इंजन है उसको पावर मिलेगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम का एक्सपांशन होगा,
तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है और जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो रहा है। तो ये क्या है ना, ये एक आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस है। यह इसको अगर हम पीवी डायग्राम में डिनोट करेंगे तो जो कंबसन प्रोसेस था वो 2 to 3 में जो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन था वो 2 to 3 में हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, और जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन था, उसको हम 3 to 4 में डिनोट करेंगे। तो ये पावर स्ट्रोक में जो दो प्रोसेस था, एक था कॉम्बसन और एक था एक्सपांशन, सो उसको हम 2 to 3 और 3 to 4 में डिनोट कर दें। तो इस दौरान जो हमारा क्रैंक था उसका एक और 180 डिग्री का मूवमेंट हो गया। तो पहले कंप्रेशन प्रोसेस था, जो शाफ्ट था वो कंप्लीट 360 डिग्री का एक रिवोल्यूशन कर चुका था। अभी अनदर 180 डिग्री का उसका रोटेशन होगा। सो जो क्रैंक है वो 1.5 टाइम रिवोल्यूट हो चुका होगा। अभी अगला प्रोसेस यानी कि हमारा जो ये साइकिल का लास्ट प्रोसेस है वो है एग्जॉस्ट। तो उसमें क्या होता है, इसमें कंबसन के दौरान जो बर्न्ट गैसेस प्रोड्यूस होता है उसको हम सिलेंडर सिलेंडर से बाहर एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू निकाल देते हैं। तो इसमें क्या क्या ऑपरेशन होते हैं ना, पिस्टन पहले कहाँ कौन सा पोजीशन में रहता था, कि वो जब एक्सपांशन हुआ तो पिस्टन पहुंच गया था बीडीसी में। तो इसका इनिशियल पोजीशन जो पिस्टन का है वो है बीडीसी। ये स्ट्रोक में पिस्टन कहाँ जा रहा है, टीडीसी में, मतलब फाइनल पोजीशन इसका क्या होगा, ये ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद ये होगा टीडीसी। यहाँ पे वाल्व का क्या कंडीशन है, यहाँ पे इनलेट वाल्व जो है वो क्लोज कंडीशन में रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो तुरंत खुल जाएगा। तो पिस्टन जब बीडीसी में है, इसका कोई मूवमेंट नहीं हुआ, उस दौरान ही थोड़ा गैस इधर से निकल जाता है, ये एग्जॉस्ट जो वाल्व है यहाँ से एग्जॉस्ट पोर्ट से निकाल जाता है। ये क्या है ना, ये कांस्टेंट वॉल्यूम में इसका हीट रिजेक्शन हो जाता है। अभी जो पिस्टन है ये धीरे धीरे बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव होता है, और जो बाकी बचा हुआ बांड गैसेस है वो एग्जॉस्ट पोर्ट से पूरी तरीके से एटमोस्फेयर में चला जाता है, जो कि कांस्टेंट प्रेशर में हम एग्जॉस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर एग्जॉस्ट प्रोसेस। और यहाँ पे जो क्रैंक है उसको फिर से एक 180 डिग्री का मूवमेंट हो जाता है, मतलब टोटल 720 डिग्री का रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। मतलब जो हमारा शाफ्ट है वो पूरी तरीके से दो कंप्लीट रोटेशन कर चुका होता है। इसको अगर हम पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा ना, हम इसको 4 to 1 जो है इसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, मतलब वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं हो रहा है और हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो 4 to 1 में हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और जो कांस्टेंट प्रेशर एग्जॉस्ट, जो एग्जॉस्ट है उसको हम कांस्टेंट प्रेशर में एग्जॉस्ट कर रहे हैं एटमोस्फियर में, तो वो होता है 1 to 0। तो ये था 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और एसआई इंजन का जो ऑटो साइकिल था उसका हर एक प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन, पिस्टन का पोजीशन कहाँ रहता था, कौन सा वाल्व ओपन होता था, क्लोज होता था, जो थर्मल प्रोसेस होता था, थर्मल प्रोसेस का नाम क्या था, ये सब डिटेल्स। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को डिस्क्राइब करने के टाइम में हम लोगों को कुछ चीजें ध्यान में रखना होगा। वो क्या है कि पिस्टन का इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, मतलब जब हम लोग वो प्रोसेस उस स्ट्रोक को स्टार्ट कर रहे हैं तब पिस्टन टीडीसी में है कि बीडीसी में है, और जब वो स्ट्रोक को हम खत्म कर रहा है तब पिस्टन कौन सा पोजीशन में पहुंचा, टीडीसी में पहुंचा कि बीडीसी में पहुंचा, और पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, टीडीसी से बीडीसी या फिर बीडीसी से टीडीसी,
ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो वाल्व है हमारा, जो इनलेट वाल्व है और एग्जॉस्ट वाल्व है, ये ओपन पोजीशन में है या फिर क्लोज पोजीशन में है, ये भी हम लोगों को स्टेट करना पड़ेगा जब हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। और जो थर्मल प्रोसेस है वो पार्टिकुलर ऑपरेशन में क्या थर्मल प्रोसेस उसमें कैरी कर रहा है उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और वो पार्टिकुलर ऑपरेशन को हम लोगों को पीवी डायग्राम में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और हर एक स्ट्रोक में उसका जो प्रोसेस है उसको हम लोगों को डायग्राम की मदद से दिखाना पड़ेगा, तो ही ये एक कंप्लीट डिटेल से डिस्क्राइब हो पाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो मैकटेक सुमन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। थैंक यू, जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।